सब सारे के सारे, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो भाई जैसा कि आप लोगों ने टाइटल में देख लिया होगा कि भाई मेरा वीज़ा आ गया, कौन सी कंट्री का आया, क्या सीन आया। तो मैं अभी हूँ, सबसे पहले बताता हूँ, मैं अभी हूँ अलनादा में, और अलनादा में मैं जा रहा हूँ अपने फ्रेंड के पास इधर पे। अभी मतलब ड्यूटी से आया था तो मैंने सोचा कि यार उसको मिल के चलता हूँ इधर से, तो सोचा कि आप लोगों तक एक वीडियो भी शेयर कर देता हूँ। आपको पहले ही बताया था कि यार मैं मतलब आप लोगों को दूसरी कंट्री विजिट कराने वाला हूँ मतलब कुछ टाइम में, राइट। तो सीन ऐसा हुआ कि भाई मेरा वीज़ा आ गया, मैंने ऑलरेडी टैक्स में भी लिख दिया कि भाई मेरा वीज़ा आ चुका है। कौन सी कंट्री का यार, भाई मैं क्यों नहीं जा रहा हूँ, मैं इस वीडियो में यही बताऊँगा आप लोगों को, ठीक है। तो कैसे आया मतलब सारी चीज़ बताऊँगा, एक मैं अपनी जॉब के बारे में बताऊँगा मतलब वीडियो में इसमें, ठीक है ना। तो शुरू से देखना भाई ये वीडियो, ठीक है ना। बहुत सारे आप लोग कमेंट आते थे, तो सारे लोग मेरे को बोलते हैं, मेरे फ्रेंड भी बोल रहे हैं कि भाई तुम इन कंट्रियों में क्यों नहीं जाओ, यूरोप में क्यों एंटर नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यार मैं बताऊँ, मेरे लाइफ में कुछ गोल डिफरेंट है, ठीक है ना। मतलब हर बंदे के अपने अपने ड्रीम होते हैं, गोल होते हैं। तो मैं भी एक मेरी 24-25 साल मेरी एज है, तो मेरे भी कुछ गोल है लाइफ में कि यार वो गोल मैं अपनी लाइफ में अचीव करूँ, ठीक है ना। तो मेरे को वो अचीव करने, मतलब मैं पूरा बताऊँगा आज आप लोगों को, ठीक है ना। तो भाई ऐसा है कि भाई हर एक बंदे का अपना गोल होता है, और मेरा भी लाइफ में कुछ गोल है, राइट। बहुत सारे बंदे होते हैं लाइफ में जो मतलब यूरोप जाना चाहते हैं। मैं भी मतलब ये नहीं बोलता कि भाई मेरे को जाना अच्छा नहीं लगता, भाई मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। मैं भी सोचता हूँ कि यार मैं कोई बड़ी कंट्री ग्रो करूँ, मतलब किसी दूसरी कंट्री में जाऊँ, लेकिन मेरा गोल कुछ डिफरेंट है दूसरी कंट्री में जाने का। मतलब किस में मैं बताता हूँ यार मैं क्यों नहीं जा रहा हूँ इस कंट्री में, ठीक है ना। क्योंकि यार मेरे कुछ गोल है लाइफ में, ठीक है, और वो मेरे को कंप्लीट करने हैं, और वो आई थिंक मैं उसके बहुत करीब पहुँच चुका हूँ, ठीक है ना। तो घर पे अभी, क्योंकि उधर पे यार मेरा फ़ोन डाउन हो गया था, तो मैंने सोचा कि चलो घर पे वीडियो एंड करते हैं, अपने दोस्त से मिलके मैं आ गया। तो फाइनली मैं इस वीडियो में बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि भाई जितने बंदे बोलते हैं मेरे दो कंट्री के वीज़ा आ चुके हैं, आप लोग बोले कि भाई कौन सी कंट्री है, तो भाई नंबर वन पे है जर्मनी, नंबर दो पे है माल्टा, ठीक है ना। मैं आप लोगों को बता देता हूँ और मैं क्यों नहीं जा रहा हूँ, क्या रीज़न है, ठीक है, मैं थोड़ा सा बताऊँगा आप लोगों को। बंदे मेरे यार दोस्त मेरे को बोलते रहते हैं कि यार कुमार भाई आप किसी बड़ी कंट्री के लिए ट्राई क्यों नहीं करते। यार देख, सबसे पहली बात तो मेरा दुबई में अच्छा चल रहा है, ठीक है, तो इसलिए मैं, जिसका इंडिया में अच्छा चल रहा है तो भाई उसके लिए वही अमेरिका है, और भाई जिसके लिए दुबई में अच्छा चल रहा है तो वो। लेकिन ये है कि हाँ मेरा प्लान है कुछ दूसरी कंट्री जाने का, मैं आप लोगों से पहले बता देता हूँ कौन सी कंट्री जाऊँगा। कुछ मैं एक वीडियो माई ड्रीम के लिए मैं बनाऊँगा, बहुत सारे मेरी माँ भी बोलती है ऐसे कि नहीं बताना चाहिए, लेकिन मैं मतलब मेरी थिंकिंग ऐसा है कि कम से कम मुझे तो, अगर जो मैं अचीव ना कर पाया तो जो मेरे बच्चे आएंगे वो तो सालों को, उनको तो पता होगा ना कि मेरे फादर क्या करना चाहते थे, उनसे नहीं हुआ तो हम लोग वो चीज़ करेंगे, राइट। तो ज़्यादा नहीं बोल दिया आज। तो भाई सीन ऐसा है, देखो यार मेरा दो कंट्री का वीज़ा आकर, देखो ये तो वाला जर्मनी वाला पता नहीं यार वो मेरी गाड़ी में किधर में, देखो ये माल्टा का है, ठीक है, इसके पेजेस हैं सारे। एक्चुअली मैंने इंटरव्यू दिया था, ठीक है, मेरा मतलब बताऊंगा आप लोग कभी, तो मैंने इंटरव्यू दिया था माल्टा का, उधर से वीज़ा आ गया था जर्मनी का। जर्मनी में मेरा एक चाहे कज़न समझो चाहे फ्रेंड समझो, ठीक है ना, तो उसके थ्रू भी मतलब मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया था, मतलब रेफरेंस था, सीधी सी मैं बात बताऊँ आप लोगों को। तो मैं क्यों नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि यार मेरा प्लान लाइफ में कुछ हो रहे हैं, और मतलब मैं अभी उनके बहुत करीब आ चुका हूँ, और बचपन से मेरा सपना था, बचपन से, अब आप समझो मैं ओनली एक ही चीज़ पे फोकस किया हूँ अभी तक। मतलब मैं कभी किसी वीडियो, बहुत बहुत बड़े बड़े एज वाले बंदे भी देखते हैं, कम एज वाले भी देखते हैं, जो तो बोलते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ भाई पढ़ाई करो तो अपना बेस्ट दो, जो भी करो अपनी तरफ से 100% दो, ठीक है ना। जैसे आप लोग मेरा वीडियो देखते हो ना, तो सेम मेरा भी ऐसा आपका गोल होता है दुबई आना, मेरा भी गोल दुबई आना था कि भाई मैं दुबई में जाऊँ कुछ ग्रो करूँ, सेम ऐसा ही जैसे आप लोग अभी मेरा वीडियो देख रहे होंगे। आज मेरे देख लो दो कंट्री के, जर्मनी और माल्टा, मतलब माल्टा जर्मनी, यार कितनी बड़ी कंट्री यार, लव जर्मनी यार, ठीक है ना। मतलब बहुत सोच समझ कर डिसीजन लिया है मैंने, मेरी फैमिली को बोल के, मतलब समझ रहे हो ना मेरी बात। अब ये मैंने प्रूफ के साथ, मैं आप लोगों को देखो ये ऑफर लेटर था, वर्क परमिट भी पड़ा हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। माल्टा से निकला हुआ जर्मनी, जर्मनी के इमिग्रेशन से निकला हुआ, जर्मनी वाला तो वर्क परमिट पड़ा हुआ है मेरे पास में, ठीक है। तो जितने बंदे बोलते हैं कुमार भाई आप किसी और कंट्री को मूव क्यों नहीं करते, सेंजन में क्यों नहीं जाते किसी, यार मैं सच में आप लोगों को मैंने बोला था कि भाई मैं दिखाऊंगा आपको कुछ कंट्री, मतलब विजिट कराने का था मेरा प्लान कि 3-4 कंट्री, लेकिन मैंने सोचा कि यार जब जो मेरा गोल है मैं वो पहले वही कंप्लीट करूंगा, थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो बताऊंगा आप लोगों को क्या सीन है। लेकिन भाई मेरा जर्मनी और माल्टा, माल्टा का पहले आ गया, जर्मनी का अभी आया, मतलब आई थिंक 1.5 महीना हुआ, ठीक है ना।
सेंजन का वीज़ा, तो सेंजन का वीज़ा मेरे पास पड़ा हुआ है, लेकिन मैं ट्रैवल नहीं कर नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। इसके पीछे भी रीज़न है, एक वीडियो बनाऊंगा किसी दिन, संडे वाले दिन, छुट्टी वाले दिन, आप लोगों तक जितने भी दिल की बातें हैं वो सारी शेयर करूँगा, ठीक है ना। तो आप लोगों को पता लगे, क्योंकि मैं भी सोचता हूँ जो मैं लाइफ में कुछ ना कुछ कर रहा हूँ आप लोगों तक शेयर करूँ, राइट। तो मैंने अप्लाई किया था एंड उधर से इंटरव्यू आए, मेरी वीडियो कॉलिंग पे इंटरव्यू हुए, मैंने जाके उन लोगों ने ऑफर लेटर सेंड किया। माल्टा वाले को तो बोल दिया भाई मेरे को नहीं आना, जर्मनी वालों का था कि भाई चलो जर्मनी मूव हो जाएंगे उन लोगों ने वर्क पर, मैंने पहले ही बोला था कि भाई देख मैं आ भी सकता हूँ नहीं तू, तो उस उन लोगों ने वर्क परमिट भेज दिया था, तो जाने का तो प्लान नहीं है भाई। सीधी सी आप लोगों से बता दूँ, मैंने उनको बताया था कि भाई मेरा प्लान नहीं है, बट फ्यूचर में देखते हैं किस कंट्री में जाएंगे नहीं जाएंगे, आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। मैं कहीं भी जाऊँ, आई लव दुबई यार, मतलब मैं दुबई को हमेशा, मतलब हमेशा सबसे नंबर वन मेरी इंडिया, नंबर दो पे मैं हमेशा दुबई रहेगा, क्योंकि जो दिल में जहाँ पैदा हुए वो हमेशा नंबर वन रहता है। आई लव इंडिया और आई लव दुबई, दुबई ने बहुत कुछ दिया। तो बाकी तो यार पता नहीं, दिल में बहुत सारी बातें आ रही हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दिया करो। और भाई बस अंदर से बातें थी कि यार आप लोगों तक शेयर करूँ ये बातें, कि इतने सारे पेज आए थे मेरे पास ये सारे के सारे, तो ऐसे इसलिए मैंने विद प्रूफ के साथ में जर्मनी का मैं आपको वर्क परमिट दिखाऊंगा, ठीक है। वो भी रखा हुआ है मेरे पास में, पहले मैं आप लोगों तक कभी शेयर नहीं किया, लेकिन लगता है यार आप लोगों से कोई भी चीज़ छिपानी चाहिए, आप लोग इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हो मुझे कहाँ से कहाँ लेके आ गए। और भाई मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, जितने बंदे मुझे देखते हैं मैं बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, जो भी हूँ मेरे माँ बाप ने मेहनत के आगे मैं मेहनत कर रहा हूँ बस वही, ठीक है ना। कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, ऊपर वाले पे विश्वास कर रखते हैं, जो भी किसी भी आप रिलीजन से हो, जो भी आपको किसी को भी आप मानते हो, सेम हम लाइक भी उसी को मानते हैं, राइट। तो अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें, बातें तो बहुत सारी हो सकती हैं, अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, करते हैं आप लोगों को, तो बहुत सारी बातें, तो किसी दिन मैं अपने ड्रीम भी आप लोगों तक शेयर करूँगा, ठीक है। मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, लेकिन वो लाइफ टाइम तक नेट पर पड़ा रहेगा, मतलब कोई भी देख सकता है, जो आगे हमारे संतान, मतलब जिसको बोलते हैं ना कि बच्चे आएंगे आगे उनके, कि भाई हमारा फादर फिर दादा के भाई ये करना चाहते थे लाइफ। बोलोगे कि भाई माल्टा के इंटरव्यू में मेरे को क्या पूछा था, और भाई जर्मनी के इंटरव्यू में मेरे को क्या पूछा था जब मैंने अप्लाई किया था वीज़ा। तो जर्मनी मतलब माल्टा को तो मैंने मना कर दिया था, उधर का जो बंदा था कि भाई मेरे को नहीं आना है, ठीक है, क्योंकि फ्रेंड है मेरा, तो क्या भाई मैं नहीं आऊँगा, बट उन लोगों ने इंटरव्यू ले लिया था अपनी कंपनी में, मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं। लेकिन जर्मनी का था, चलो यार जर्मनी मूव हो जाऊँगा, लेकिन जो मेरा गोल है वो डिफरेंट है यार कुछ, ठीक है ना।